देखिए नॉर्मली हवाई जहाज को लैंड करने के लिए 8000 से 13000 फीट तक का रनवे चाहिए होता है, और एक फाइटर जेट को लगभग 300 मीटर के एयरक्राफ्ट कैरियर पर कैसे लैंड करा दिया जाता है? तो देखो, फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करने के लिए सिर्फ एक तरीका तो नहीं होता है, बल्कि दो तरीके होते हैं। पहला है केबल की मदद से फाइटर जेट को रोकना, और दूसरा है हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग कराना। और लैंडिंग करने के ये दोनों तरीके बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पायलट की एक छोटी सी भूल और 1000 से 15 करोड़ रुपए का ये फाइटर जेट सीधा पानी में। वर्टिकल लैंडिंग तो हेलीकॉप्टर जैसा प्रोसेस करके आराम से हो जाती है, बट टेल हुक लैंडिंग में सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 से 4 वायर को बिछाया जाता है, और पायलट को इनमें से किसी एक वायर में फाइटर जेट के टेल हुक को फंसाना होता है। पहली बार में अगर पायलट ने फाइटर जेट के टेल हुक को अरेस्टेड वायर में फंसा दिया तो 2.5 सेकंड में सेफली लैंडिंग हो जाएगी, और अगर नहीं फंसा तो ये फिर से पायलट को तुरंत टेक ऑफ करना पड़ता है। यही कारण है कि पायलट फाइटर जेट की लैंडिंग के दौरान उसे धीरे करने की बजाय और भी ज्यादा तेज स्पीड कर देता है।